हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो एक कुकिंग ब्लॉग है और आज जो मैंने खाना बनाया है उन सभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और तब मैंने बनाया है छोले ड्राई में कैप्सिकम, पनीर, जीरा राइस, मीठे में मखाने की खीर, बूंदी रायता और साथ में सिंपल सैलेड। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ी बनाने के लिए जो ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोनों सब्ज़ी इसी मसाले से रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने बहुत सारा अनियन कट किया है, गार्लिक है और यहाँ पर सारे सूखे मसाले लिए हैं। जो ये गर्म मसाला है तो सारे सूखे मसाले हैं। इसमें ब्लैक पेपर, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सब है। और एक तरफ है टमेटो कट किए हैं मैंने 4 to 5, ग्रीन चिली एंड जिंजर। तो इनको अलग अलग हम पेस्ट बना लेते हैं और पहले सब्जी बनाने के लिए जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों सब्जी हम एक साथ बनाएंगे। तो इन दोनों को मैंने अलग अलग ग्राइंड करके रख लिया है और जो भी वर्किंग लेडी हैं वो भी इस तरह से पहले ग्रेवी जो हम पूरी कंप्लीट बनाकर रख लेते हैं, उसको बनाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं 4 to 5 days के लिए। जो वर्किंग लेडी हैं वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी इस तरह से सब्ज़ी बन सकती है कि ग्रेवी हमारी पहले से ही रेडी है, ग्रेवी का जो मसाला है वो पहले से ही रेडी है और बस सिंपल उसमें सब्ज़ी डालनी है और झटपट सब्ज़ी बन जाती है। तो चलिए पहले यहाँ पर मसाला बना देते हैं। पैन में मैं पहले मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ऑयल के गर्म होने के बाद सबसे पहले जो हमने अनियन, गार्लिक और सारे जो गर्म मसाले ग्राइंड किए थे वो हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो कोई भी सब्ज़ी टेस्टी बने उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि मसाले को बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। जब मसाला अच्छे से भून जाता है, अच्छे से पक जाता है तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो अलग ही आता है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए पहले इसको भून लेते हैं, फिर उसके बाद हम टमाटो, ग्रीन चिली और जिंजर का जो पेस्ट बनाया है उसके बाद हम इसमें वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अनियन, गार्लिक और सारे गरम मसाले का जो पेस्ट था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर टमाटो, ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटो डाला है तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे जिससे टमाटर और अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर दोनों सब्जियाँ, छोले और कैप्सिकम पनीर जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मसाला रेडी हो चुका है और आप इसको स्टोर करके फ्रिज में 4 to 5 days तक के लिए रख भी सकते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं कैप्सिकम एंड पनीर की ड्राई सब्जी। तो उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और यहाँ पर मैंने पनीर पहले से ही कट करके रख लिया था, उसको थोड़ी देर बॉइल्ड वाटर में रखा था, देन पनीर को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ पर कैप्सिकम भी मैंने स्मॉल स्क्वायर पीसेस में कट कर लिए हैं। तो दोनों को ही हम मस्टर्ड ऑयल में पहले फ्राई करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम कैप्सिकम और पनीर की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर कैप्सिकम और पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसको हम अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अगेन हम पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और मस्टर्ड के गर्म होने के बाद उसमें क्यूमिन सीड डालेंगे 1 छोटा स्पून और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बे लीव्स। तो इसके फ्राई होने के बाद जो मैंने मसाला तैयार किया था उसको मैंने पैन में ही रखा था क्योंकि मुझे अभी ही सब्ज़ी बनानी है, अदरवाइज़ मैं स्टोर भी करके रख सकती थी बट अभी बनानी है तो मैंने पैन से कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो पैन से ही इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मसाला इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये है सब्जी का मसाला और इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं बिकॉज ये पहले से ऑलरेडी से पका हुआ है। तो इसको पकने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और सारे मसाले ऐड करने के बाद बस इसमें हम झटपट से पनीर और कैप्सिकम जो हमने फ्राई कर लिया है वो ऐड कर लेंगे। तो ऐसे सब्ज़ी का मसाला तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें जो भी सब्ज़ी बनानी है ये मसाला डालें और अगर छोले बनाने हैं तो ऊपर से छोले मसाला ऐड कर दें, राजमा बनाना है तो राजमा मसाला ऐड कर दें, कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो हम सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने सारे जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड करके सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसमें हमें एक साथ हम मसाला तैयार कर सकते हो और क्या ही सब्ज़ी एक साथ झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे, तेल सेपरेट ना होने लगे। और तेल के सेपरेट होने के बाद उसके बाद हम इसमें पनीर और कैप्सिकम ऐड कर देंगे और उसको 2 to 3 मिनट्स के लिए चलाएंगे।
क्योंकि सारी सब्जियां पहले से ही पकी हुई हैं, फ्राई हो चुकी हैं, मसाला भी रेडी है, तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2-3 मिनट्स के लिए चलाने के बाद ये सब्ज़ी रेडी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था, और पनीर और जब डालेंगे 2-3 मिनट में तो थोड़ा सा वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा सब्जी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया है मसाले में, और इसको अभी हम बंद करके थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, और उसके बाद पनीर और कैप्सिकम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मसालों से ऑयल सेपरेट हो चुका है, अच्छे से मसाला पक चुका है, तो इस पॉइंट पर हम पनीर और कैप्सिकम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट्स के लिए ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर, और उसके बाद ये सब्जी रेडी है। तो यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर ये सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं छोले, और छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाला है और मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने देते हैं। मस्टर्ड ऑयल के गर्म होने के बाद अगेन इसमें एक छोटा स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डालेंगे, और उसके बाद बे लीव्स डालेंगे। इनको थोड़ी देर फ्राई करते हैं, और उसके बाद हम जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और मैं छोले बना रही हूँ इसलिए मैंने एवरेस्ट का छोला मसाला 1 बड़ा स्पून इसमें ऐड किया है, इससे अब छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें भी यहाँ पर मैंने 3-4 स्पून वाटर ऐड किया है, और इसके बाद मैं सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। मैंने छोले जब बॉईल किए थे तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, और यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो मसाला जब अच्छे से पक जाए, उसमें अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगे, उस पॉइंट पर हम यहाँ पर बॉइल्ड छोले ऐड कर देंगे, और इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी भी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, छोले में कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम 1-2 विसल लगा लेंगे, और यहाँ पर छोले भी बनकर तैयार हैं। तो चलिए फिर अब बनाते हैं मखाने की खीर। तो मखाने की खीर बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और यहाँ पर मखाने डाल दिए हैं, और उसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और थोड़े से क्रंची ना हो जाए। तो इनको हम चलाते रहेंगे और इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब मखाने अच्छे से भुन जाएं तो इसी में हमें बॉइल्ड मिल्क ऐड करना है। तो जैसा भी हम जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम मिल्क और मखाने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड मिल्क ऐड कर दिया है। तो मिल्क के अच्छे से बॉईल होने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें केसर डालेंगे, केसर के थ्रेड डालेंगे, और उसमें डालेंगे 1/4 इलायची पाउडर, और जब इसको हम बॉईल होने देंगे थोड़ा सा मिल्क जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो अभी हम मिल्क के साथ इसको पकाएंगे जब तक कि मिल्क थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, और उसके बाद हम मखानों को थोड़ा सा मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। एंड उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लें, जितना भी आपको मीठा खाना पसंद है। एंड देन ऐड ऑल ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है उनको स्मॉल पीसेस में कट करके या क्रश करके जैसे भी आपको पसंद है वैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मखाने की खीर भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने बासमती राइस को पहले से ही 1/2 आवर वाटर में सोक करके रख दिया है, और यहाँ पर हम कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें हम घी ऐड करेंगे। तो घी के गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 स्पून जीरा, और जीरा के फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे हम दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब इसमें डाल देंगे और इनको भून लेंगे। देन इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे, राइस ऐड करेंगे जो हमने 1/2 आवर पानी में भिगो कर रखे हुए थे, और उसको 2 मिनट तक मसालों के साथ भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम जितना भी हमने चावल लिया है उससे एग्जैक्ट डबल क्वांटिटी में वाटर ऐड करेंगे, और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और अगेन मिक्स करेंगे, और फ्लेम को हम लो रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे,
और ढककर इसको 5 मिनट्स तक पकाएंगे। 5 मिनट्स तक पकाने के बाद इसको एक बार ओपन करके देखेंगे और अगेन इसको मिक्स करेंगे। देन अगेन इसको ढककर 5 मिनट्स तक पकाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो जीरा राइस है वो बनकर तैयार है। तो अभी हम बना लेते हैं रायता। रायते के लिए मैंने एक बोल में कर्ड लिया है और उसमें थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैंने बूंदी ली है। तो कर्ड में हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो तड़का बनाने के लिए रायते में जो तड़का लगाते हैं उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है तड़का पैन में और उसमें जीरा हींग और एक रेड चिली डाली है। तो यहाँ पर जो रायते का तड़का है वो तैयार है। तो इस तरह से मैंने आज का लंच प्रिपेयर किया। यहाँ पर छोले बनकर रेडी हैं, उसमें भी मैंने धनिया पत्ती काट कर डाल दी है। तो ये हैं छोले और नेक्स्ट सब्जी है पनीर कैप्सिकम की। तो यहाँ पर रायता, खीर एंड जीरा राइस, रायते में भी मैंने धनिया पत्ती कट करके डाली है। तो ये है आज का लंच एंड खाने के साथ सैलेड तो बनता ही है, तो यहाँ पर सैलेड भी कट कर ली है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का कुकिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।